नमस्ते सर, वो एक्सप्रेस वॉरियर स्कीम का जो अभी मैंने मैसेज भेजा है उसका ये हेल्प वीडियो है। अगर आपके मोबाइल में ऐप नहीं है या आपको लॉगिन करने में या एंट्री करने में दिक्कत है तो इस वीडियो को देखें। तो गूगल प्ले से आप सर्वो एक्सप्रेस सर्च मारेंगे तो ये वाली ऐप आएगी आपको। ये इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे और यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो आपको पहले अपना सैप कोड डालना है। इधर सैप कोड डालेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन है। अगर मोबाइल नंबर आपको आइडिया नहीं आ रहा या OTP नहीं आ रहा तो आप मेरे को बताएं, तो उसको रिसेट मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं और कुछ अगर और एरर आएगा तो वो भी रिजोल्यूशन लाया जाएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करें तो ये होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। होम स्क्रीन पर पहला जो ऑप्शन है ऑयल चेंज एंट्री, यहाँ से आपको ऑयल चेंज की एंट्री करनी है। पहले एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी जो आप साइन करा हो वो कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो 1 ही रहने दीजिएगा। टू व्हीलर फोर व्हीलर सिलेक्ट करना है। टू व्हीलर सिलेक्ट करिएगा मोस्टली, क्योंकि फोर व्हीलर ऑयल चेंज की सुविधा पंपों पर जनरली नहीं होती है। यहाँ गाड़ी नंबर डालेंगे आप, क्या था, GD 6 GD 5 वो फोर व्हीलर है, पर टू व्हीलर का ले लो। यहाँ जैसे आप गाड़ी नंबर डालेंगे तो कस्टमर अगर पहले से एनरोल्ड हुआ सर्वो एक्सप्रेस में, उसकी पुरानी एंट्री अगर हो रखी होगी तो उसकी डिटेल ऑटोमेटिकली फैच करेगा। जैसे यहाँ जैसे मैंने गाड़ी नंबर एंट्री करी तो कस्टमर का नाम मोबाइल नंबर आ गया। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। नाम मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर यहाँ सेलेक्ट करना है जो एवरेज किलोमीटर वाला ऑप्शन है, यहाँ सेलेक्ट करना है कि पर डे उनकी 25 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है गाड़ी या कम चलती है। तो यहाँ मैं मोर देन 25 कर देता हूँ, पर डे ज़्यादा चल रही है। करंट किलोमीटर डाल देता हूँ, ये करंट किलोमीटर डाल दिया। और लास्ट ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा, ये लास्ट ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया कौन सा ऑयल उनको डलवा उनको डाल रहे हैं अपन ऑयल चेंज में, या सर्वो 40 सिलेक्ट कर लिया। जैसे ये एंट्री डाल के आप सबमिट करेंगे तो बॉटम पे आ जाएगा रिकॉर्ड एडिड। रिकॉर्ड एडिड का मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। इसके अगेंस्ट में कस्टमर के पास एक थैंक यू मैसेज भी जाएगा। कस्टमर के पास इस तरीके का एक मैसेज आएगा जो यहाँ बॉटम पे आप देख सकते हैं, जिसमें कस्टमर को बताया जा रहा है कि आपने सर्वो ऑयल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप वर्षा पेट्रोलियम पे चेंज कराया है और नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो भी मेंशन करी है, 7 दिसंबर जैसे देख सकते हैं आप इसमें, और कितने किलोमीटर पे ड्यू हो जाएगा। अगर पहले वो किलोमीटर रीच हो जाते हैं तो कस्टमर पहले भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो इससे कस्टमर के पास भी एक मैसेज आता है कि पंप पे चेंज कर रहे हैं और ऑथेंटिकेट एंट्री है, कंपनी की तरफ से मैसेज जा रहा है। तो एक बेनिफिट है इसका। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने जो भी कस्टमर की एंट्री करी है तो उसका आपको ड्यू डेट भी दिखता है। जैसे ये तीसरा ऑप्शन है ऑयल चेंज ड्यू, तो तीसरे ऑप्शन पर अपन क्लिक करते हैं तो ये पुराना सारा डिटेल्स है जो इन्होंने पहले एंट्री करी है पंप से ऑयल चेंज में, उन सब की डिटेल्स है और कितने दिन पहले करी है वो भी लिखा है। जैसे ये ऑप्शन है 642 डेज पहले करी है और इनका भी ड्यू हो चुका है और पंप पे इन्होंने वापस एंट्री नहीं कराई, पंप पे या किसी और पंप पे भी एंट्री चेंज की एंट्री नहीं कराई है। तो यहाँ क्लिक करके इनका मोबाइल नंबर और नाम जान सकते हैं और इनको कॉन्टेक्ट करके आप बता सकते हैं कि आप 2 महीने पहले पंप पे आए थे ऑयल चेंज करने, आपका ड्यू हो गया है तो आप आ सकते हैं पंप पे। कोई करंट स्कीम अगर आपने चला रखी हो पंप पे या फिर कंपनी की जो स्कीम चल रही हो उस टाइम पे, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये स्कीम चल रही है हमारे यहाँ, ये पंप पे चेंज कराएंगे तो इतना बेनिफिट रहेगा। अभी नवरात्रि के हिसाब से कोई स्कीम चालू कर रखी हो आपने पंप पे तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे क्या, कस्टमर आपके पंप पे आप बुलाएंगे तो बेटर आउटपुट रहेगा, ज़्यादा ऑयल बिकेगा आपका और साथ में जो ये इंसेंटिव स्कीम चल रही है एंट्री की उसका भी आप लाभ ले पाएंगे। इंसेंटिव स्कीम में मैक्सिमम अमाउंट 6,000 रुपये का है, तो अगर आप फुल यूटिलाइजेशन करते हैं तो अभी दिवाली भी आ रही है तो इसमें आप कस्टमर अटेंडेंट को एज अ बोनस भी ऑफर कर सकते हैं कि चलो आप इतनी एंट्री करी है आपने तो आपको इतना 6,000 रुपये का बोनस मिल रहा है और ये बोनस कंपनी की तरफ से एक्सटेंड हो रहा है तो आपका भी एक बोनस का भार कम हो रहा है। और उसके बाद में 6,000 रुपये आपकी आधी कस्टमर अटेंडेंट की आधी सैलरी लगभग बन जाती है इससे। तो स्कीम को अच्छे से यूटिलाइज करें, एंट्री करें जुडिशली और आपके पंप का ल्यूब का सेल बढ़ाएं। इसमें इसमें ये सेकंड ऑप्शन दिख रहा है कस्टमर डेटा, ये वो डेटा है जिसकी आपने एंट्री करी है।
जो भी एंट्री करिए उन सबकी डिटेल्स दिख जाएंगी इधर, और किसी भी एंट्री पे क्लिक करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर और कब एंट्री करी है, कब ड्यू डेट है, वो सारी चीज़ दिख जाएंगी इधर। तो इसका यूज़ करें, और साथ में अगर आपको हेल्पिंग वीडियो देखना है तो ये चौथा ऑप्शन जो है QOC ऑपरेशनल वीडियोस, यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको कई सारे हेल्प वीडियोस मिल जाएंगे जो कि अटेंडेंट्स को दिखाएंगे, आप देखेंगे तो कुछ नई चीज़ पता पड़ेगी, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स पता पड़ेंगे जो कस्टमर अटेंडेंट अगर कस्टमर को बोलता है तो कस्टमर को भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि चलो ये कुछ टेक्निकल बातें कर रहे हैं। तो आपकी एंट्रीज़ को इनक्रीज़ करिए और इस ऐप में लॉगिन करके एक एंट्री आज ही ट्राई करें। कुछ एरर आता है मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे को रिवर्ट करिएगा, उसमें तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट करा देंगे और ऐप में लॉगिन करके एंट्री करना जरूर चालू करें।